इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से, तो आज सेम उसी श्रृंखला में हम आगे देखने वाला है नेक्स्ट टॉपिक। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि यहाँ पे एमसीक्यू लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट। तो आज मैं शेयरिंग के ऊपर कुछ एमसीक्यूज आपको देने वाला हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तो वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन लिए हैं, उसका आंसर क्या आएगा वो मैं आपको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे जैसे ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ पे जाएंगे आपको शेयरिंग वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शेयरिंग वर्कशीट डेटा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, द मोस्ट ऑफ द ऑफिस पीपल यूज डैश वेयर टीम मेंबर्स कैन स्टोर कॉमन फाइल्स फॉर एवरी वन टू यूज। तो यहाँ पे कॉमन फाइल कहाँ पे होती है उसका आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जहाँ पर भी लोग काम करते हैं ऑफिस में या तो कहीं पर भी, तो वो एक कॉमन फोल्डर रखता है, तो उसका नाम क्या होता है? तो यहाँ पे कॉमन ड्राइव ये नहीं होता, जनरल ड्राइव नहीं होता, शेयर ड्राइव यहाँ पे होता है। तो इसका आंसर आएगा शेयर ड्राइव। और यहाँ पे आंसर लिंक ड्राइव लिखा है तो ये गलत है, ऑप्शन सी होना चाहिए, शेयर ड्राइव होगा इसका आंसर। ताकि ये लिंक ड्राइव ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे शेयर ड्राइव आप रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टू शेयर, द शेयर ड्राइव मस्ट ओपन साउट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज। तो जब आप शेयर करते हैं और जब फाइल ओपन करेंगे वहाँ पे तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, जब आप ऐसे काम करते हैं और शेयर ड्राइव के अंदर जब कोई वर्क होता है तो उसके लिए कौन सा मैसेज आएगा? द डॉक्यूमेंट फाइल नेम इज लॉक फॉर एडिटिंग बाय द यूजर टू ओपन रीड ओनली कॉपी ऑफ दिस मैसेज डॉक्यूमेंट क्लिक हियर। द डॉक्यूमेंट फाइल नेम इज ब्लॉक, यू डोंट हैव परमिशन टू ओपन दिस। द डॉक्यूमेंट फाइल नेम इज लॉक टू अनलॉक क्लिक ऑन टूल्स ऑन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट फाइल इज लॉक, यू कैन अनलॉक इट बाई साइनिंग इट विथ योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा डायलॉग बॉक्स आपको मिलता है? तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आपको मिलता है कि ऑलरेडी वो लॉक्ड है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है या तो फिर शेयर किया इसलिए लॉक हो जाती है, तो उसको ओपन ओनली रीड मोड में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन रीड ओनली मोड, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या आंसर लिखा है, इसमें सही है आंसर ए आएगा। जिसका नहीं है मैं उसका कर दूंगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए, इट इज नेसेसरी टू हैव मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन द सेम फाइल एट द सेम टाइम। ऑप्शन बी, शेयरिंग कैन स्पीड अप द डेटा एंट्री एंड मेक्स थिंग्स इजियर। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन द सेम फाइल, ऐसा जरूरी होता है कभी कभी, तो हाँ वो करेक्ट है, ऐसा हो सकता है। शेयरिंग पर ऑलवेज नहीं होता, शेयरिंग कैन स्पीड अप द डेटा एंट्री एंड मेक्स थिंग्स इजियर। और जब आप शेयर करेंगे तो यहाँ पे डेटा एंट्री स्पीड की स्पीड बढ़ेगी और काम भी इजी आसानी से हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर करेक्ट, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे करेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं है कि हर फाइल शेयरिंग फाइल पे ही चले, लेकिन वो काम करना कभी कभी आपको पता होना चाहिए और ये करना भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य वॉन्ट्स टू शेयर द वर्कशीट विथ हिज कलीग्स, सजेस्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे क्या करना है, वर्कशीट शेयर कर रहा है वो, तो कौन से ऑप्शन से वर्कशीट शेयर होगा? इंसर्ट शेयर डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट शेयर डॉक्यूमेंट, टूल शेयर डॉक्यूमेंट या तो डेटा शेयर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये जो मेनू दिया है उसमें से टूल्स वाला आंसर आपका सही रहेगा, टूल शेयर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आंसर एकदम सही है, सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एनेबलिंग शेयर डॉक्यूमेंट्स स्प्रेड प्रोवाइड्स अ मैसेज। तो जब आप ये एनेबलिंग करते हो शेयर डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद क्या मैसेज प्रोवाइड होता है? यू मस्ट टर्न ऑन द कैप्स लॉक की, यू मस्ट कॉपी द कंटेंट ऑफ द फाइल, यू मस्ट रीनेम द फाइल, यू मस्ट सेव द फाइल। तो जब आप शेयर करते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर, यू मस्ट सेव द फाइल, आपको फाइल सेव करना पड़ेगा। बाकी जो यू मस्ट टर्न ऑन द कैप्स लॉक की, भाई क्या जरूरत है कैप्स लॉक की, तो ऐसे ही ऑप्शन दे दिया है। यू मस्ट कॉपी द कंटेंट ऑफ द फाइल, कॉपी कंटेंट करना होता है जब आप फाइल को क्लोज कर देते हैं, सेव किया हुआ नहीं चला कहीं चला जाता है, बट ये आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। सी, यू मस्ट रीनेम, रीनेम करने की जरूरत नहीं है, उसी फाइल में हम डेटा सेव करेंगे या फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो डायरेक्टली नाम दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमंजलि वॉन्ट्स टू अनशेयर द शेयर डॉक्यूमेंट एज ऑल यूजर्स हैव फिनिश द वर्क एंड द फाइल इज मर्ज नाउ, बट सी इज लिटल बिट कन्फ्यूज अबाउट हाउ टू अनशेयर द डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द सेम। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, टूल शेयर डॉक्यूमेंट,
टूल्स अनशेयर डॉक्यूमेंट, टर्न ऑफ शेयरिंग, क्लोज शेयरिंग। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, फाइल को सेव करना जरूरी है जब आप शेयरिंग एनेबल करेंगे, तो उसके बाद अगर ये वाले ऑप्शन में जैसे बताया है कि अनशेयर करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम कोई सेव फाइल को यहाँ ओपन कर लेते हैं। कोई फाइल अगर मैंने बनाई है, लेट मी चेक, यहाँ पे ये तो एक्सेल की है, कुछ सीएसवी होगी शायद, ये ठीक है। चलिए शेयरिंग यहाँ कुछ है, डेटा देख लेते हैं अगर है तो। यस, तो यहाँ पे एक मैंने ओपन कर दिया फाइल। अब देखिए इसमें क्या करना है कि फाइल जैसे ओपन हुई तो ये रिकॉर्ड है, तो ये शेयर्ड है ऑलरेडी। टूल्स में शेयर डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन आएगा, ये रहा टूल शेयर डॉक्यूमेंट। और जैसे आप कोई चेंजेस करेंगे यहाँ पे, अब जैसे कि आपको इसे अनशेयर कर देना है, तो अनशेयर करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन वही रहेगा। टूल शेयर डॉक्यूमेंट में जा करके ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये अनशेयर हो जाएगा। अनशेयर का ऑप्शन स्पेशली आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ जैसे करेंगे, सारे लिंक है तो यस 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 करके मैंने कर दिया, तो ऐसे ही डीएक्टिवेट होता है। देखिए ऑप्शन टूल शेयर डॉक्यूमेंट, टूल्स अनशेयर डॉक्यूमेंट, टर्न ऑफ शेयरिंग, टूल्स क्लोज शेयरिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है। ओके, यहाँ पे ये गलत, ये नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे अनशेयर का ऑप्शन ही नहीं होता, टूल्स में अनशेयर है ही नहीं, तो आपको शेयर डॉक्यूमेंट से ही वो क्लिक हटाना पड़ेगा तभी जाएगा। तो ये आंसर यहाँ पे नहीं होगा, और आंसर ए यहाँ पे करेक्ट है। मैं करेक्ट कर दूंगा इस वीडियो के बाद। तो यहाँ पे मैं दोनों क्वेश्चन लिख देता हूँ साइड में, ताकि इस लाइव के इस वीडियो के बाद मैं तुरंत ही इसे करेक्ट कर दूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन मल्टीपल यूजर्स आर वर्किंग ऑन द सेम फाइल, हाउ द कन्फ्लिक्ट कैन बी मैनेज। जब मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं, अभी तो मेरे पास एक ही यूजर है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो सिंगल काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे काम करता है तो किस प्रकार से आप करेंगे, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, क्या होगा मैनेज करने के लिए। इट शोज द डायलॉग बॉक्स टू कीप देम, इट शोज द डायलॉग बॉक्स टू सेव देम, इट शोज द डायलॉग बॉक्स टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम, इट शोज द डायलॉग बॉक्स टू रिमूव देम। तो जैसे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिखाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इट शोज द डायलॉग बॉक्स टू कीप देम। तो यहाँ पे कीप का ऑप्शन आएगा कि आप उसको रखना चाहते हैं या हटा देना चाहते हैं, तो उस तरीके से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर्ड वर्कबुक्स डोंट अलाउ मर्जिंग सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग पिक्चर, ऑल ऑफ द अबाव। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप शेयर करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको शेयर कर देते हैं एक बार फिर से। टूल्स शेयर डॉक्यूमेंट, और ये हो गया आपका शेयरिंग ऑन। जैसे शेयरिंग ऑन होगा, इसके बाद कौन कौन से ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं होते, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए एडिट में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी शेयर डॉक्यूमेंट के अंदर, तो कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा सही, तो देखिए वो आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड है। तो शेयर वर्कबुक डोंट अलाउ मर्जिंग सेल, यहाँ पे देखिए मर्जिंग सेल अलाउ होता है इसमें। अब जैसे ये डेटा है, मुझे मर्ज करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट में आएगा मर्ज, देखिए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउ नहीं है, मर्जिंग सेल अलाउ नहीं है। तो इस तरीके से दूसरा ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो भी देख लेते हैं, वो भी फॉर्मेट में आता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अलाउड नहीं है। तो ये है इंसर्टिंग पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स, इंसर्ट मेनू में देख लीजिए, तो इंसर्ट पिक्चर्स, तो पिक्चर्स यहाँ पे देखिए अलाउड नहीं है, यहाँ ऑप्शन आ रहा है तो मैंने सोचा अलाउड होगा, लेकिन नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे आंसर डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निशा इज वर्किंग ऑन द स्प्रेडशीट फाइल, शी वॉन्ट्स टू नो द फीचर विच अलाउज टू नो द चेंजेस मेड बाय द बाई अदर्स एट वॉट टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स दैट। तो यहाँ पे देखिए फीचर इज दैट, ये थोड़ा करेक्शन है, नाइन्थ में भी मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग करेक्शन, ताकि ये टाइप करते करते कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे इज टू अस टू इज करना है, यहाँ लिख देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं तुरंत ही इस वीडियो के बाद में कर दूंगा। चलिए यहाँ पे लिखा है तो ट्रैक डेटा, ट्रैक ऑल्टरेशन, ट्रैक चेंजेस, रिकॉर्ड चेंजेस। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे तो क्या कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आता है, तो इसे रिकॉर्ड चेंजेस कहा जाता है। अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तो उसमें ट्रैक चेंजेस है, तो ओपन ऑफिस की ओर से अगर क्वेश्चन पूछा है तो आंसर रिकॉर्ड चेंजेस आएगा, और एमएस ऑफिस आप यूज करते हैं तो एमएस ऑफिस में आपको ट्रैक चेंजेस मिलता है। हम ओपन ऑफिस कंसिडर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आंसर इज रिकॉर्ड चेंजेस। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रिकॉर्ड चेंजेस में जो भी है उसको एनेबल करना होता है। एक तो ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक मिनट इसको अनशेयर कर देते हैं, तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे जो डिसेबल हो गए हैं वो एनेबल हो जाएंगे। ओके,
अब यहाँ पे देखिए, जो भी है जिस तरीके से आप करते हैं, यहाँ पे देखिए इंसर्ट में सबसे पहले तो देख लेना है। अब जो एडिट ऑप्शन है उसमें आपको मिलेगा रिकॉर्ड चेंजेस, तो एडिट ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे ओके, इसमें रिकॉर्ड का कुछ है क्या? ओके चेंजेस, ये रहा रिकॉर्ड। तो यहाँ पे रिकॉर्ड चेंजेस का ऑप्शन होता है, वो एनेबल करना होता है। तो इससे आप जो भी चेंजेस करेंगे वो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि ये चेंजेस किया है। देखिए रेड बॉक्स में आ गया, तो ये ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पे दिया है। तो आंसर डी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर इज वर्किंग इन द स्प्रेडशीट, ही इज सर्चिंग अ कमांड टू ट्रैक द रिकॉर्ड चेंजेस फ्रॉम मेन, विच मेनू कंटेन्स द ऑप्शन फॉर द सेम फ्रॉम मेनू। यहाँ पे मेन लिखा है, फ्रॉम मेनू आएगा, तो कौन से मेनू में इसका ऑप्शन होता है? फाइल, एडिट, इंसर्ट, डेटा। तो अभी मैंने आपको बताया है कौन से ऑप्शन पे था ये, तो वही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो आंसर इसका जो है वो है आपका बी, एडिट मेनू, अभी मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट, इफ एनी यूजर हैज डन सम चेंजेस इन द वर्क स्प्रेडशीट, इट इज हाईलाइटेड बाय, अभी हाईलाइट हुआ यहाँ पे जो भी चेंज किया। तो ऑप्शन वही सही है, रेड कलर बॉक्स, ब्लू कलर बॉक्स, येलो कलर बॉक्स, ग्रीन कलर बॉक्स। आंसर इज रेड कलर बॉक्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12, अ डिलीटेड रो और कॉलम इज हाईलाइटेड बाय, तो डिलीटेड रो और कॉलम जो है कैसे हाईलाइट होती है? अ रेड क्रॉस सिंबल ऑन सेल्स, अ डैश ऑन सिलेक्टेड सेल्स, अ डॉटेड लाइन अंडर द डेटा, हैवी कलर्ड लाइन। तो यहाँ पे देखिए डिलीटेड रो और कॉलम, तो अब मैंने ऑन किया, अब इसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चलेगा, देखिए किस तरीके से हुआ है ये। तो एक रेड लाइन यहाँ पे आ गया है, उसका मतलब है यहाँ डिलीटेड है, तो यहाँ पे हैवी कलर्ड बार, तो ये ऑप्शन यहाँ पे होगा। देखते हैं इसमें क्या है, रेड क्रॉस सिंबल डैश ऑन सिलेक्टेड लाइन, तो यहाँ पे देखिए डी, हैवी कलर्ड बार, दैट इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हैवी कलर, रेड कलर बार के यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर, चेंजेस लाइक डैश आर नॉट रिकॉर्डेड एंड मार्क, तो यहाँ पे चेंजेस लाइक कैसे, एडिटिंग, एडिटेड सेल, चेंज टैक्स, सेल फॉर्मेटिंग, डिलीटेड रो और कॉलम और सेल, नॉट रिकॉर्डेड और मार्क, ये मार्क नहीं होता है या तो रिकॉर्ड नहीं होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? तो यहाँ पे आंसर है सेल फॉर्मेटिंग। तो सेल फॉर्मेटिंग का यहाँ पे कुछ करेंगे तो वो यहाँ पे नहीं होगा, जैसे इसका कोई सेल फॉर्मेट करता है उसमें, सेल फॉर्मेटिंग में सिंपली ये डायलॉग बॉक्स है आपके पास, इसमें से कोई भी चीज़ कर दीजिए, जैसे कि अभी नंबर है मेरे पास, मैं इसका ये वाला ऑप्शन कर देता हूँ और इसमें 89, तो देखिए 89 तो डेटा चेंज किया इसलिए आया, बट सेल जो हमने किया है वो नहीं आएगा। एक बार फिर से एडिट चेंजेस रिकॉर्ड बंद कर देता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ। देखिए अब जैसे ये चीज़ हो गई, मैंने ये रिकॉर्ड वाला हटा दिया, अब यहाँ पे हमारे पास है 35 वैल्यू है जिसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं है, मैंने एडिट चेंजेस रिकॉर्ड ऑन किया, ये ऑन कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करते हैं हम, तो फॉर्मेट और यहाँ पे सेल्स, अब मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस में चाहिए नंबर, तो ये 35 2 डेसिमल प्लेसेस, ओके। तो देखिए अब चेंजेस किया लेकिन यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ, तो ये है, ये ऑप्शन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, सेल फॉर्मेटिंग हाईलाइट नहीं होगा। एडिटेड अ सेल, तो आप सेल एडिट करेंगे तुरंत आपको दिखा देगा रेड मार्क में, चेंज टेक्स्ट दिखा दिया चेंज टेक्स्ट भी, डिलीटेड रो और कॉलम, रो और कॉलम भी, जैसे कॉलम डिलीट करते हैं, रो वाला तो अभी देख लिया, कॉलम डिलीट करके देखते हैं, तो वो भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ किया है। और देखिए सी डिलीटेड, तो ऐसे आ जाएगा कॉलम सी, सी डिलीटेड, तो ये यहाँ पे लिखा है, तो हाईलाइट सारी चीजें होती है, सेल फॉर्मेटिंग यहाँ पे नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, निर्मल वॉन्ट्स टू चेंज द डिफॉल्ट कलर सेटिंग्स ऑफ द चेंजेस मेड बाय द यूजर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर हिम। तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट कलर सेटिंग्स चेंज बाय द यूजर, यूजर ने जो कलर दिया है उसको चेंज करना चाहता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा? जो रेड कलर में आ रहा है उसको चेंज करके कोई और देना है, एडिट चेंजेस कलर टूल्स ऑप्शन, ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी कैलसी चेंजेस टूल्स ऑप्शन, चेंजेस कलर टूल्स चेंजेस कलर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको ये मिल जाएगा, टूल्स वाला ऑप्शन जो है उसमें से ये करेक्ट है और ये बी वाला करेक्ट है। चलिए आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे टूल्स में ऑप्शंस में जाना है और ऑप्शंस में जाकर के आप यहाँ पे देखिए ओपन ऑफिस कैलसी, इसमें जो है चेंजेस ये रहा। अब चेंजेस में यहाँ देखिए चेंजेस बाय ऑथर, तो यहाँ पे कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑथर के द्वारा अगर कुछ चेंजेस है, जैसे डिलीशन में मैं करता हूँ, चलिए डिलीशन में करते हैं,
डिलीशन में मैं अभी जो रेड है उसको रेड नहीं, मैं दिखाना चाहता हूँ ऑरेंज। ओके तो ये ऑप्शन कर दिया, आप देखिए यहाँ ऑरेंज आ गया, कुछ डिलीट करता है। ये इंद्र को मैंने हटाया, डिलीट कर रहा हूँ मैं इसे, डिलीट ऑल। ओके तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज मार्क में आ गया है। ओके कलर मार्क ऐसा लिया है तो इसलिए ऐसा हो रहा हो। चलिए और थोड़ा सा कलर ऐसा ले लेते, एकदम डिफरेंट कलर में अलाउ कर देता हूँ ताकि आपको भी तो पता चले कि चेंजेस हुआ कि नहीं। पर्पल ले लेता है, अब देखिए जो पर्पल है यहाँ पे, अब कुछ डिलीट करते हैं। जैसे मैंने डिलीट किया ये वाला सेल, डिलीट ऑल, अब डिलीट सेल या कुछ करेंगे तो उसमें तो ओके, तो ये वाला डिलीट वाला नहीं आता, रो वाला आ जाएगा। चलिए डिलीट रोज, तो ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से जो जो चेंजेस करेंगे उस कलर को चेंज करने का ऑप्शन है ये, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। यू कैन नॉट फिल्टर द चेंजेस बाय, जो फिल्टर है वो आप जो चेंजेस करते हैं वो किस हिसाब से नहीं कर सकते, डेट ऑथर टाइम रेंज, तो ये ऑप्शन है उसमें। तो यहाँ पे देखिए किसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, सो आंसर यहाँ पर यहाँ का सी है, टाइम के अकॉर्डिंग आप चेंजेस नहीं कर सकते, फिल्टर जो आएगा, ताकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या है, टाइम फिक्स यहाँ पे दिख रहा है तो इसीलिए टाइम के अकॉर्डिंग हम नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज कितने बजे चेंज किया पता नहीं चलेगा और जो यूजर है वो कंफ्यूज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट चेंजेस डेटा, तो यहाँ पे डेटा चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यू कैन एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस एट अ टाइम, कर सकते हैं। यू कैन नॉट रिजेक्ट ऑल द चेंजेस एट अ टाइम, रिजेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऐड कमेंट्स टू द चेंजेस, यू कैन प्रोटेक्ट द चेंजेस थ्रू अ पासवर्ड, तो यहाँ पे देखें जो चेंजेस किया है उसको यहाँ पे आप ऑप्शन जो है वो रिजेक्ट ऑल द चेंजेस एट अ टाइम, यू कैन नॉट रिजेक्ट ऑल द चेंजेस। ओके तो ये आप यहाँ पे आंसर करेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि रिजेक्ट ऑल हम एक साथ रिजेक्ट ऑल तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ कैन नॉट लिखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट 17, द बाई डिफॉल्ट कंट द डैश बाई डिफॉल्ट कंटेंट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द चेंजेस दैट वर मेड बाई द यूजर, तो यहाँ पे कमेंट इज द करेक्ट आंसर, तो सीधा कमेंट है आपको वहां से पता चल जाएगा। क्वेश्चन 18, मर्ज डॉक्यूमेंट इज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेनू, मर्ज डॉक्यूमेंट किसके अंदर अवेलेबल है, सीधी बात है आपने जहां से ये ऑप्शन लिया है वहीं से एडिट में यहाँ पे है। चलिए दिखाता हूँ मैं, मर्ज यहाँ पे मर्ज वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ओके सिलेक्ट चेंजेस, शीट में ऑप्शन होना चाहिए, मूव सिलेक्ट डिलीट इवेंट्स। ओके जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे चेंजेस वाले में है, ये रहा मर्ज डॉक्यूमेंट, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके दिया है, तो एडिट मेनू में है भाई मर्ज डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, द एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स हैज विच ऑफ द फॉलोइंग टू टैब्स, कौन सा टैब्स होता है इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट में, तो यहाँ पे देखिए मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, टूल्स चेंजेस और यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट, तो ये रहा, तो इसमें टैब लिस्ट और फिल्टर ये दो टैब है, तो इन दो टैब की बात की गई है। अभी जो फिल्टर वाला क्वेश्चन था वो इसमें देखिए डेट ऑथर रेंज कमेंट है, टाइम नहीं है, तो यहाँ से पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख गए हैं, वही होने चाहिए, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, डेटा प्रोटेक्शन, सेव मर्ज, लिस्ट फिल्टर, तो यहाँ पे लिस्ट फिल्टर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर भी करेक्ट करना है, तो क्वेश्चन 19 भी यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा लिस्ट एंड फिल्टर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द वर्कशीट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस मेड बाय अदर यूजर्स, तो ये यहाँ पे करेक्ट आएगा, ताकि वो कर सकता है ओरिजिनल ऑथर, और वो यहाँ पे कोई भी जो चेंजेस है उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है। तो आशा रखता हूँ कि जो भी वीडियो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है आपको क्लियर हो चुका होगा, ये जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछिए, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि ये भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। क्वेश्चंस मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे बनाए हैं, तो उसमें कुछ ऊपर नीचे हर रोज रहता है, ताकि मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है कोई और कि मैं किसी से ये थोड़ा सा उनको प्रूफ रीडिंग भी करवा लो, तो अकेले ये सब काम करता है, तो कभी कभी क्या है कि आंसर ऊपर नीचे हो जाता है, मैं कुछ चेक नहीं कर पाता हूँ, तो इसीलिए आगे पीछे रहता है, तो उसे मैं बाद में करेक्ट जरूर कर लेता हूँ जैसे मेरी नोटिस में आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोटपैड में क्वेश्चन लिखे हैं, तो ये वीडियो जैसे अपलोड होगा उसके बाद आप जब देखेंगे तो यही क्वेश्चन आपको
करेक्ट मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कोई डाउट है कमेंट करिए, वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट या तो कुछ आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करें। आपके टीचर आपको कैसे समझाते हैं, वो आपको बढ़िया लगता है, मेरा थोड़ा आगे पीछे लगता है, तो उसके बारे में भी बताइए, तो मैं उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जरूर लाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Thank you.